तो आज इस वीडियो में हम थंबनेल बनाना सीखेंगे। थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो के लिए। आप हज़ारों वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, उन पे जो थंबनेल होते हैं उन्हीं को अट्रैक्ट होके, यानी कि थंबनेल ही बताता है आपकी वीडियो की इंपॉर्टेंस, क्या क्वालिटी है, और थंबनेल से ही आपके व्यू आते हैं। यानी कि अगर जितने भी थंबनेल पे क्लिक होते हैं उसी हिसाब से आपके व्यू आते हैं। तो अगर आप थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरुआत से एंड तक देखिए। हम आपको पिक्सार्ट से यानी इस मोबाइल से ही थंबनेल बनाना सिखाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूट्यूबर हैं और अभी भी थंबनेल बनाना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, या थंबनेल बनाना जानते हैं लेकिन वो उतना बेहतर नहीं बना पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको साइड में स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी, ये पिक्सार्ट ऐप है, इसी को हम शुरुआत करने वाले हैं। ये हमारा पिक्सार्ट ऐप आपको फ्री में गूगल यानी प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको मतलब उसके ऐप स्टोर पर देखने को मिल जाता है। तो इसी के डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऑल फोटोज पे क्लिक करते हैं। ऑल फोटोज पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे फोटोज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे फोटोज पहले से हमने बना रखे हैं, लेकिन हम आपको बनाना सिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हम फोटोज बनाने की, यानी इसका जो बैकग्राउंड होता है उसे बनाने से। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड के कलर, क्योंकि जिस प्रकार से आप बैकग्राउंड रखते हैं उसी हिसाब से आपको क्या होता है टेक्स्ट डालना पड़ता है, तभी वो अट्रैक्टिव बन पाता है। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड के। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से पूरे पूरे जहाँ जैसे कलर के, यानी कि आपको लाइट बैकग्राउंड बनाना है या आपको डार्क बैकग्राउंड बनाना है, आप रेड बैकग्राउंड नहीं बना सकते। रेड बैकग्राउंड अगर आप बनाते हैं तो आपका यूट्यूब जो होता है उसी का मतलब कलर होता है, तो वहाँ पे शायद ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, और रेड बैकग्राउंड पे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता है थंबनेल। तो आपको रेड बैकग्राउंड नहीं बनाना है, आप यहाँ से चूज करके आपको ग्रीन बना लेना है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन बना लेना है कुछ इस तरीके से, मतलब ब्लू, डार्क ब्लू बनाना इस तरीके से आपको ऐसे ही, और यहाँ पे आपको आगे बढ़ा के और ये सेव कर लेने हैं इस तरीके से, आपको कई मतलब कि बना के सेव कर लेने हैं, ताकि हम एक जो आप देख रहे हैं ये थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जो कि हमने ही बनाया, और ये बहुत सारे थंबनेल आपके सामने सो रहे होंगे। ये थंबनेल हैं, ये हमने पिछली वीडियो जो हमने बनाए हैं उनसे अगर मैं चाहता तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन जल्दबाजी में हमने थंबनेल बनाए थे इस प्रकार से दिख रहे हैं। बाकी हम इससे भी बेहतर आज थंबनेल तैयार करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये थंबनेल हम आज तैयार करने वाले हैं, ये वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल फोटोज का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसा कि मैंने बताया था बैकग्राउंड पहले से ही, तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो होता है इसका जो रेशियो होता है, एक्चुअली आप चेक कर लीजिएगा, बड़ा सा आएगा उसमें 16:9 ये वाला रेशियो, जो ये वाला दिया होता है एक्चुअली, ये वाला दो हॉरिजेंटल होता है और वो वर्टिकल होता है। तो इस तरीके से आप लैंडस्केप में करेंगे, यानी कि इस पर आप क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा इस तरीके का बैकग्राउंड आने वाला है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्या, अगर इस पे लगाएंगे पट्टियाँ, क्योंकि हमें उस तरीके का बनाना है, तो उसमें क्या हमने ये चार जो है उनको सेलेक्ट कर लिया एक्चुअली। अब ये यहाँ पे आने वाले हैं सारे के सारे, ये आ गए, अब देख सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको जल्दी जल्दी से लगाते हैं, और इनको जिस प्रकार से आपको लगाना है वो तो आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके का थंबनेल बना रहे हैं और आपका कैसा वीडियो है, डिपेंड करता ना, हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसी के ऊपर हम लगाएंगे एक फ़ोटो, जो कि हमारे पास PNG है, जैसे कि हमने बताया था कि PNG देखिए आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है इसी के अंदर, मतलब पिक्सार्ट के अंदर आता है PNG, आप इसकी बना सकते हैं। नहीं बना पाते हैं PNG कैसे बनाते, तो आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं उनको देख सकते हैं, नहीं तो हम एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें PNG काटना भी बता देंगे। तो ऐसे यहाँ पे इसे सेट कर दिया, कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे इसे, तो हमने इसे सेट कर दिया इस तरीके से, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह सॉरी, एक चीज़ रह गई, बॉर्डर डालना रह गया था, तो यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, तो यहाँ पे वाइट बॉर्डर चुनेंगे, जैसा फ़ोटो उसी हिसाब से चुनेंगे। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 3 यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है बॉर्डर की वो 3 कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो इसकी 3 कैपेसिटी कर दी हमने, और यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है मुझे देखने में, तो इसे यहाँ पर अब इस तरीके से सेट कर देंगे, ये अब सही लग रहा है।
अब बारी हमारे टेक्स्ट की, यहाँ पे टेक्स्ट की। तो हमने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ से। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, एक्चुअली रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है इसका। तो ये चीज़ जो है ना, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप डालिए रेक्टेंगल शेप PNG, तो ये बहुत सारी PNG आ जाती हैं, इनमें से कोई डाउनलोड कर लीजिए, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। तो इस पर अब हम करने वाले हैं टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट होगा हाउ टू मेक अ थंबनेल, ये हमारा हो गया टेक्स्ट। तो इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कई तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो इसको हम पहले, सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, ये इसको इतना कर लिया। वो आप डिपेंड करता है आपकी दिमाग पे, आपकी सोच पे, किस तरीके के आप यहाँ पे किस तरीके से सेट कर रहे हैं और कितना लिखना है। ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि थंबनेल के अंदर ज़्यादा लिखा हुआ सही नहीं लगता है। तो अब इस टेक्स्ट में क्या आपको ध्यान रखना है, टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है साइडो का ऑप्शन। अब साइडो पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक कलर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से, बैकग्राउंड अगर ब्लैक जैसा है, यानी कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लू डार्क ब्लू है, तो ये ब्लैक जैसा होता है, तो यहाँ पे इसको मैंने ब्लैक ही यूज़ कर लिया है, या तो आप डार्क ब्लू ही बैक मतलब उसका कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी ब्लर जो है इतनी आप 100 कर सकते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 90 कर दीजिए, ताकि ये देखिए यहाँ पे क्या 3D जैसा यहाँ पे आ चुका है। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ होती है स्ट्रोक, ये ऑप्शन स्ट्रोक का, ये ऑप्शन स्ट्रोक का दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक में क्या होता है, ये देखिए, अभी आप मैं स्ट्रोक वाइट कर देता हूँ, तो देखिए ये वाइट सा इसके साइड में, मतलब इसी के साइड में आ जाएगा। रेड कर देता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा, ये तो यानी कि आप समझ गए होंगे स्ट्रोक का क्या मामला था। यहाँ पे हम इसको ब्लैक करेंगे, क्योंकि हमारा वाइट है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला स्ट्रोक डालते हैं। तो इस पर क्या करेंगे, हम 4 तक डाल देंगे, 4 या 5 डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है स्पेसिंग का, ये देखो ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर को आप दूर भगा सकते हैं, ठीक है, इनकी जो गैप है वो बढ़ा सकते हैं, और इसकी जो एक दूसरे से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम जो इसको पास मिल जाए तो इसको थोड़ा सा इन टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये लिख गया हाउ टू मेक अ थंबनेल। अब बारी है दूसरी चीज़ की, यहाँ पे जो लिखा हुआ था आपने देखा था बाई फोन मोबाइल, ठीक है, तो अब हम इस तरीके का बैकग्राउंड लेने वाले हैं, इस तरीके का। अभी देखो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड, अब इसी बैकग्राउंड पे हम डालेंगे बॉर्डर, सेम चीज बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे दिया, बॉर्डर डाल देंगे वैसा ही बॉर्डर। यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर डालेंगे हम 2, यहाँ पे इसकी जो इनर है वो 2 रखेंगे, और ये आउटर तो 0 कर देंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है वाइट बॉर्डर की। अब ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये कुछ इस प्रकार का हो गया, थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे। अब बाई मोबाइल यहाँ पे लिखेंगे बाई मोबाइल, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बना रहे हैं, जो भी लिखना है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इतना भी काफ़ी था, लेकिन हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया एक्स्ट्रा है बाई मोबाइल। और हमने एक PNG इसमें ऐड की हुई है, ये वाली यानी कि जो मोबाइल पकड़े हुआ एक मतलब हाथ है, तो इसे भी आप मतलब गूगल पे सर्च करेंगे मोबाइल PNG, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मतलब आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए फाइनली हमारा जो थंबनेल है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक लग रहा है, यानी कि आप जब जैसे कि आप कोई देखेगा तो लगेगा कि वाकई में ये वीडियो काफ़ी अच्छी है। तो आपने देखा काफ़ी आसान तरीके से हमने एक थंबनेल तैयार कर लिया, वो भी मोबाइल से, यानी आपको कोई फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में ही पिक्सार्ट से बना सकते हैं। पिक्सार्ट से आपके अंदर जितना भी यानी आपके अंदर यूनिक थॉट होंगे, आप अगर थंबनेल अच्छा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। आप जब मार्केट की तरफ जाते हैं तो आप बैनर देखिए, बैनर पे जिस तरीके का कलर यूज़ किया गया, किस तरीके का इसका बैकग्राउंड है, किस तरीके की उसकी शैडो डाली गई है, वो बैनर पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं लोग, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, जो भी बनाते हैं बैनर, वो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं इस चीज़ों का। तो आप उन चीज़ों को देख कर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, अगर हमारा बैकग्राउंड इस तरीके का है तो इस तरीके के कलर हम अगर टेक्स्ट में डालेंगे
तो टेक्स्ट अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपना फोटोशॉप जो भी देखते हैं लोग, फोटोशॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिंपली पिक्सआर्ट के ही अंदर आप एक बेहतर मतलब कि थंबनेल बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा किस तरीके से हम अपने थंबनेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, हम आपके लिए वो भी रेडी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।